आने वाले हैं आप लोगों को ऑटोमेटिक फुल्ली डाटा एंट्री कैसे यूज करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बहुत बेहतरीन जो है तरीका यहाँ पर यूज करने वाले हैं आप लोगों को है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, मैं थोड़ा सा डेमो दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर जैसे कि रोल नंबर लिखा गया, तो रोल नंबर यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं 101। यहाँ पर नेम टाइप, जैसे यहाँ पर टाइप कर रहे हैं तो ये देखिएगा थोड़ा सा इसका जो कलर है आप लोगों को चेंजिंग आ रहा है और यहाँ पर ट्रिक लग जा रहा है। यह ऑटोमेटिकली जो है काम वर्क आप लोगों को कर रहा है यहाँ पर, यह इसका मतलब सही हो गया। यहाँ पर नेम में टाइप अगर करेंगे तो यहाँ पर नेम में जैसे कि मान लीजिए राजेश मैं टाइप कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर जैसे ही टैब मारेंगे या इंटर करेंगे तो यह ऑटोमेटिकली जो है ग्रीन जो है दूसरे थोड़ा सा कलर में आ जा रहा है और यहाँ पर ट्रिक लग जा रहा है। इसी तरीके से मदर नेम यहाँ पर टाइप कर दे रहा हूँ, मान लीजिए रीता, और यह आपका मोबाइल मदर सॉरी यहाँ फादर नेम हो गया मान लीजिए ब्रजेश। और यहाँ पर आप लोग मदर नेम देख सकते हैं मान लीजिए रीता, और यहाँ पर मोबाइल नंबर XYZ हम कोई भी कर सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ा से यहाँ पर जो ईमेल आईडी है मैं मान लीजिए ABC कर दे रहा हूँ, और डी और एक्स जो भी देना चाहते हैं यहाँ पर दे सकते हैं। ये आपका मेल है तो मेल वाले ऑप्शन पर क्या करना है, क्लिक करना है। और यहाँ पर कोर्स कौन सा कर रहे हैं तो यहाँ पर कोर्स वाले ऑप्शन पर जैसे कि DCA हो गया तो DCA क्लिक कर देंगे। और इनका एड्रेस क्या है यहाँ पर देख सकते हैं, एड्रेस जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है हाईलाइट कलर यहाँ पर हो जाएगा। ओके, जैसे अगर कोई एंट्री है अगर यहाँ पर अधूरी रह गई है तो यहाँ पर कलर नहीं आने वाला है। ओके, जैसे यहाँ पर कोई एंट्री फिल हो गया तो ये आपका ऑटोमेटिकली जो है हाईलाइटेड कलर यहाँ पर आ रहा है। अगर मान लीजिए ये एंट्री जैसे छूट गया तो यहाँ पर यह ऑटोमेटिकली जो है हाईलाइट कलर नहीं आ रहा है। ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर कोई भी एंट्री जैसे मान लीजिए छूट गया है, यहाँ पर मान लीजिए इसको मैं डिलीट कर दिया, ये देखेंगे आपका यहाँ से गायब हो गया और यह आपका कलर नहीं आ रहा है। यहाँ पर हम टाइप कर दे रहे हैं जैसे कि ब्रिजेश, और यहाँ पर मोबाइल नंबर हम टाइप कर दे रहे हैं XYZ कोई भी अंक, तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हाईलाइट कलर होगा। जब इसको सेव कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है डेटा पहले सेव कर देगा, इसके बाद फिर से आप लोगों का ब्लैंक हो जाएगा। यह डेटा आप लोगों का सेव होकर के यहाँ पर एंट्री हो रहा है, ध्यान रखना है। इस तरीके से जो है आप लोग ऑटोमेटिक फुल्ली डाटा एंट्री जो है आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे पहले जो लोग चैनल पर नए जुड़े होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। इससे जो भी आप लोगों को वीडियो बनेगा वो आप लोगों को नोटिफिकेशन के जरिए जो है पहुंच जाएगा, और आप जो है लाइक करके वीडियो पर आनंद लेते रहिएगा। तो यहाँ पर हम इसको सबसे पहले जो है क्लोज कर देते हैं इसको डाटा पूरा, और इसको जो है हम फिर से आप लोगों को बना के दिखाने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर इसको ओके कर लूंगा। और इस तरीके से आप लोग जो है एक्सेल को ओपन करने के बाद आप इसको जो है अच्छी तरीके से जो है जनरेट करना है, तो जनरेट कैसे करना है तो यहाँ पर जनरेट आप लोग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिखाऊंगा आप लोगों को कैसे यूज करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप कोई भी सेल यहाँ से सेलेक्ट करके इस तरीके से आप लोग जो है मर्ज कर लीजिएगा, और यहाँ से होम मेन्यू के अंतर्गत आप लोगों को मर्ज ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, मर्ज करना है। यहाँ पर आप लोगों को लिखना है ऑटोमेटिक। ओके, तो आप लोग कैपिटल में लिखे चाहे स्मॉल में उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ ऑटोमेटिक फुल्ली, ओके, डेटा एंट्री, डेटा एंट्री यहाँ पर इस तरीके से टाइप करना है। और इसमें जो भी कलर आप लोग देना चाहते हैं वह कलर यहाँ से दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कलर जो है इस कलर में चेंज कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर इसको चलिए यहाँ पर टाइप कर दे रहा, और यहाँ क्लिक करके और टेक्स्ट जो है इसका व्हाइट में कर दे रहा हूँ। और टेक्स्ट व्हाइट करने के बाद इसको थोड़ा सा बोल्ड करके इसकी साइज जो है थोड़ा सा यहाँ पर लार्ज कर दीजिएगा, और इसको एरिया को आप बढ़ा सकना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले आप लोग जो है 3 सीट जो है यहाँ पर क्रिएट कर लीजिएगा। ओके, 3 सीट पर आप लोगों को काम होने वाला है। यह कैसे काम करेगा मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। तो यहां पर आप लोग सबसे पहले यहां पर रोल नंबर टाइप करेंगे, रोल नंबर, और यहां पर एक सेल को छोड़ करके यहां पर आप लोगों को टाइप करना है नेम, फिर एक सेल को छोड़ करके यहां पर टाइप करना है, या स्टूडेंट नेम टाइप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर मैं स्टूडेंट नेम भी टाइप कर सकता हूं,
और इसके बाद यहां पर टाइप करना है फादर नेम, और यहां पर टाइप करना आप लोगों को मदर नेम, और यहां पर आप लोगों को मोबाइल नंबर। इसके बाद यहां पर आप लोग टाइप करेंगे ईमेल आईडी, और इस वाले ऑप्शन पर आप लोगों को टाइप करना है जेंडर, और यहां पर आप लोगों को टाइप करना है कोर्स, और यहां पर एड्रेस। ओके, इतना आप लोगों को टाइप करना है। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर जो साइज इसकी विड्थ है यहाँ पर बड़ा कर लेता हूँ, डबल क्लिक करके यहाँ पर आप लोग जो है साइज जो है बड़ा कर लेंगे, और इस वाले एरिया को आप लोग थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा यहाँ पर, और भी बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा कर सकते हैं यहाँ पर है। इतना आप लोगों को काम करना है। इसके बाद आप लोग जो है रोल नंबर वाले ऑप्शन पर क्या करना है, क्लिक करना है स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, कंट्रोल दबा करके यहाँ पर आप लोग जो है सेलेक्ट आप लोगों को क्या करना है करना है। इसके बाद यहाँ से करना है कॉपी, कॉपी करने के बाद शीट टू वाले ऑप्शन पर क्या करना है, क्लिक करना है, पेस्ट वाले ऑप्शन पर जाना है, पेस्ट स्पेशल आप लोगों को मिल जाएगा, और यहाँ पर वो आपको वैल्यू और ट्रांसपोज का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्या करना है क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है। इतना आप लोगों को काम करना है। इसके बाद यहाँ से जो भी यहाँ से जितना सेलेक्ट करना चाहते हैं उतना सेलेक्ट करके आप लोग जो है इंसर्ट में जाएंगे, या तो इसकी शॉर्टकट की है टेबल की कंट्रोल प्लस टी, तो जब भी टेबल पर शॉर्टकट की करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा क्रिएट टेबल। अब यहाँ पर माय टेबल है, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। इतना आप लोगों को काम करना है। इसके बाद यहाँ पर जो यह आपका थोड़ा सा हेडिंग दिख रहा है इसको यहाँ से हटाना चाहते हैं तो हटा भी सकते हैं, और यहाँ से इसकी स्टाइल जो है चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग जो है स्टाइल भी जो है यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ इस प्रकार से स्टाइल भी लगा दे रहा हूँ यहाँ पर, ये आपका स्टाइल हो गया यहाँ पर। और शीट नंबर थ्री पर आप लोगों को भी कुछ नहीं करना है, आप लोगों को हम बताने वाले हैं कैसे इसका यूज करना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा से नीचे जो है यहाँ पर, और इसको थोड़ा से यहाँ पर होम मेनू के अंदर आप लोग जाके मर्ज कर दीजिएगा, और यहाँ पर टाइप करना है सेव एज, ऑप्शन यूज करना है सेव एज ऑप्शन यूज करना है, ये आप लोगों को टाइप करके इतना। अब यहाँ पर जो भी कलर आप लोग देना चाहते हैं नॉर्मली आप लोग दे सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये मैं थोड़ा सा हाईलाइटेड ये वाला दे दे रहा हूँ, और इसको भी आप लोग जो भी कलर देना चाहते हैं यहाँ पर है सेलेक्ट करके आप लोग जो है कलर आप जो भी चॉइस करना चाहते हैं वह यहाँ से चॉइस कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं ये वाला जो है कलर दे दे रहा हूँ, ये आपका हो गया। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, नंबर रोल नंबर के ठीक सामने क्लिक करना है, स्टूडेंट नंबर के कंट्रोल दबा के आप लोगों को करना है, मदर नेम के आगे कंट्रोल दबा के यहाँ पर इस तरीके से जितना आप लोगों को मिल जाएगा जेंडर और कोर्स को छोड़ करके बाकी सबको क्या है कंट्रोल दबा के सेलेक्ट कर लेना है। इतना आप लोगों को काम करना है। इसके बाद आप लोगों को कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोग जो है होम मेन्यू के अंतर्गत मिलता है, ध्यान रखना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर आप लोगों को क्या करना है क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको हाईलाइटेड सेल रूल्स का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोगों को एक मोर रूल्स का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्या करना है क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा मैं इसको ड्रैग करके इधर कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पर फॉर्मेट ओनली सेल विथ पर क्या करना है क्लिक करना, और यहाँ से ब्लैंक वाले पर क्या करना है क्लिक कर देना है। ब्लैंक ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको फॉर्मेट में जाना है, और जो कलर आप लोगों को चाहिएगा यहाँ पर फिल वाले ऑप्शन पर क्या करना है क्लिक करना है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं कलर जो है बहुत कम जो है यहाँ पर यूज कर रहा हूं, और यहां से हल्का कलर है इसको यूज करके ओके कर दूंगा, फिर से ओके करना है। अब इसी तरीके से इसको सेलेक्ट रहने देना है, फिर से आपको जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करने के बाद हाइलाइटेड सेल रूल्स पर क्लिक करके फिर से आप लोगों को यहां पर आना है मोर रूल पर। ओके, इतना आप लोगों को फिर से करना है, और यहां पर अब आपको यूज करना है क्या, यहां पर नो ब्लैंक। आप जब भी हम टाइप करेंगे तो कोई आपका कलर जो है दूसरा होना चाहिए, फिर से यहाँ पर क्लिक करना है, आपको थोड़ा से जो है कलर यहाँ पर चेंज कर देना है। ओके, और यहाँ पर टेक्स्ट में जो भी यूज करना चाहते हैं टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पर बोल्ड करके यहाँ से ओके कर दे रहा हूँ, फिर से आप लोगों को ओके करना है। तो जब भी इसमें लिखेंगे कुछ, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर टाइप कर दे रहा हूँ 101,
यहाँ पर इंटर करेंगे तो ये थोड़ा सा कलर में आपका दूसरा इफेक्ट कलर हो गया। यहाँ पर देखिएगा, इसमें भी टाइप करेंगे तो दूसरा कलर ऑटोमेटिकली बन के आ गया। मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूं। अब आप लोगों को यहां पर यूज करना है इक्वल इफ कोष्टक ऑन। अब यहां पर आप लोगों को रोल नंबर के ठीक सामने यहां पर क्या करना है, क्लिक करना है। इतना करने के बाद इक्वल करना है और डबल अंडर डबल इनवर्टेड कॉमा, फिर से डबल इनवर्टेड कॉमा, फिर से कॉमा देना है। अब यहां पर डबल यूनिट कॉमा फिर से देना है, फिर से डबल यूनिट कॉमा, आप लोगों को कॉमा देना है, फिर से डबल यूनिट कॉमा, इतना आप लोगों को काम करना है। इसके बाद आप लोग कैपिटल में ध्यान रखिएगा, कैपिटल में आप लोगों को टाइप करना है पी, डबल यूनिट कॉमा से क्लोज करना है। इसके बाद कोष्टक बंद करना है, इंटर कर देना है। यहां पर कुछ नहीं आएगा, जब यहां पर टाइप करेंगे तो यहां पर पी आना चाहिए। ओके, तो इस सेल को कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिएगा और जितना हाईलाइटेड दिख रहा है उसी के ठीक सामने कंट्रोल क्या करना है, भी करना है। तो मैं इस तरीके से कंट्रोल जो है सब पर आप लोगों को यहां से भी करके यूज करके दिखा दे रहा हूं। ये आपका हो गया, और जब भी यहां पर टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली पी आ जाना चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर दे रहा हूं ये वाले सेल को और यहां से गायब कर दूंगा। तो अब यहां पर क्या करना है, सेलेक्ट करना है सबको और इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल दबा के सेलेक्ट करना है, ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कंडीशनल फिर से फॉर्मेटिंग में आना, हाईलाइटेड रूल्स और यहाँ पर मोर रूल। ओके, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप लोगों को यूज करना है क्या, नो ब्लैंक। अगर मेरा ब्लैंक नहीं रहेगा तो मेरा कौन सा कलर आना चाहिए, यहाँ पर जो भी कलर देना चाहते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लिक करके थोड़ा गाढ़ा कलर कर दे रहा हूँ, हरा वाला। अब यहाँ पर फॉन्ट में जाना है और यहाँ से बोल्ड और टेक्स जो है आपका व्हाइट होना चाहिए। ओके, इतना करने के बाद यहाँ से ओके कर देना है, फिर से ओके। अब यहाँ पर आप लोगों को फॉन्ट वाला स्टाइल में क्या करना है, क्लिक करना, सेलेक्टेड रहने देना, बाहर कहीं मत क्लिक करिएगा, फॉन्ट को फिर से सेलेक्टेड रहने देना है। इसके बाद क्या करना है, इसको आप लोग फॉन्ट में नीचे आएंगे तो आप लोगों को विंग जो है विंग टूस का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्या करना है, क्लिक कर देना है। अब जब भी यहाँ पर टाइप करेंगे कोई चीज तो यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली ग्रीन हो गया और इसकी थोड़ा सा विड्थ जो है आप लोग जो है कम कर लेंगे, ये आपको थोड़ा से, तो जब भी यहाँ पर टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ग्रीन हो जाएगा, ये देखिए। और जब नहीं टाइप करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे तो ये आपका ब्लैंक हो जाएगा। ओके, इतना आप लोगों को काम करना है। अब इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को कोर्स का यूज करना है, यहाँ पर डाटा अगर वैलिडेशन बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, अन्यथा मत बनाइएगा। तो मैं यहाँ पर डाटा अगर वैलिडेशन बनाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर दे रहा हूँ कोर्स का नेम, तो मैं यहाँ पर टाइप कर दे रहा हूँ CO कंप्यूटर ऑपरेटर DCA, एक मिनट, DCA ADCA, यहाँ पर MDCA और यहाँ पर टैली और यहाँ पर ट्रिपल सी, मान लीजिए इस तरीके से मैं टाइप कर दिया। ओके, और यहाँ पर सेलेक्टेड कोर्स, ओके, इतना आप लोगों को काम करना है। इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, क्लिक कर, सॉरी, कोर्स वाले ऑप्शन पर क्या करना है, क्लिक करना है, डेटा में जाना है और डाटा वैलिडेशन पर आप लोगों को क्या करना है, क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर लिस्ट पर क्लिक करके यहाँ पर क्या करना है, सोर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यह जो बनाए हैं इसको जो है आप लोग क्या करेगा, पूरा सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ से ओके कर देंगे। जब यहाँ से ओके करेंगे तो देखेंगे एक लिस्ट आप लोगों को यहाँ पर आ गया है और जो भी यहाँ से सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को यह थोड़ा सा और एरिया मैं इसका बढ़ा देता हूँ, यह वाला इतना। अब यहाँ पर जो जेंडर में आप लोगों को क्या करना है, एडवांस सॉरी डेवलपर यहाँ पर ऑप्शन लाना है। मेन्यू तो कैसे आएंगे, तो अगर जिसके पास अगर है पहले से मौजूद तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो मैं बता दे रहा हूँ कैसे आएगा। यहाँ पर फाइल में जाना है आप लोगों को, इसके बाद ऑप्शन आप लोगों को एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्या करना है, क्लिक कर देना है। इसके बाद आप लोगों को कस्टमाइज रिबन यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर आप लोगों को जो है डेवलपर ऑप्शन जो है मिल जाएगा। कस्टमाइज ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को डेवलपर ऑप्शन पर क्या करना है, ट्रिक लगाना है और यहाँ से ओके कर देना है। मेरा पहले ट्रिक है, यहाँ से ओके मेरा भी है, तो यहाँ पर क्या करना है, डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा आप लोगों को। इतना करने के बाद आप लोगों को डेवलपर ऑप्शन के अंतर्गत एक मिल जाएगा इंसर्ट। ओके, यहाँ पर क्या करना है, इंसर्ट वाले ऑप्शन पर क्या करना है, क्लिक करके यहाँ से आप लोगों को यूज करना। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके इसको जो है रेडियो बटन को यहाँ से, मैं देखिए ध्यान में, रेडियो बटन को यहाँ से काली जो क्लिक करके सेलेक्ट कर लिया हूं
और इसको थोड़ा से जो है सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर इसको जो मूव कर दे रहा हूँ यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, ये आपका हो गया। मैं थोड़ा सा इसको जूमिंग कर ले रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या करना है, क्लिक करना है और डिलीट बटन से आप लोग जो है डिलीट कर लीजिएगा और इसको छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पर टाइप कर सेल में, ध्यान में इस पर अगर क्लिक करेंगे तो हाथ वाला निशान बन जाएगा, अगर यहाँ पर आप लोग डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका यस सेल में क्लिक होगा। तो सेल में क्लिक करने के बाद आप लोग जो है थोड़ा सा स्पेस दे करके यहाँ पर टाइप करना है मेल, ओके। अब यहाँ पर और भी स्पेस दे करके यहाँ पर टाइप करेगा फीमेल, इतना आप लोगों को काम करना है। और यह वाला ऑप्शन को आप लोग थोड़ा सा जो है विड्थ जो है आप लोग यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, यह वाला ऑप्शन। अब यहाँ पर कंट्रोल दबा करके इसी को रेडियो बटन को यहाँ पर आप लोगों को रखना है इस तरीके से। इसको थोड़ा से जो है मैं इधर एरो बटन से क्लिक करके इस साइड में कर दे रहा हूँ यह, और इसकी जो साइज है आप लोगों को इतना बढ़ा दे रहा हूँ। इससे क्या होता है, जब भी हम मेल वाले पर भी क्लिक अगर यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, अगर फीमेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो फीमेल वाले पर क्लिक हो जाएगा, आपको बटन पर क्लिक करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, फीमेल पर क्लिक करेंगे तब भी ऑटोमेटिकली हो जाने वाला है, इतना आप लोगों को काम करना है। और जब भी इसमें एंट्री करेंगे तो ये आपका ट्रिक लग जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को इसका जो है फार्मूला यूज करना है, तो मैं यहाँ पर करके दिखा दे रहा हूँ कैसे यूज करना है। तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कंट्रोल दबा के यह वाला एरिया जो है सेलेक्ट कर लेना, ध्यान रखना कंट्रोल दबा के री यूज करना है। अब यहाँ पर आप लोगों को मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ इसको। अब यहाँ पर माउस का राइट बटन जो है आप लोगों को क्या करना है, क्लिक करना है। माउस बटन का राइट क्लिक करने के बाद आपको मिल जाएगा फॉर्मेट कंट्रोल का ऑप्शन। आप यहाँ से आपको यह फॉर्मेट कंट्रोल का ऑप्शन मिलने के बाद आप सेल लिंक का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्या करना है क्लिक करना है। कोई भी सेल यहाँ पर क्या करना है, क्लिक करके यहाँ पर ओके कर देना है। तो यहाँ पर देखेंगे आपका वन आ गया, अगर जब फीमेल पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर दो आने वाला है, मेल पर क्लिक करेंगे तो वन, फीमेल पर क्लिक करेंगे तो दो आ जाएगा। और यहाँ से जो भी आप लोग सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसके बाद फार्मूला लगेगा, मैं फार्मूला यहाँ पर थोड़ा सा लगा के दिखा दे रहा हूँ कैसे यूज करते हैं। यहाँ पर मैं ठीक सामने इसी पर क्लिक कर रहा हूँ इक्वल, मैं यहाँ पर नेम थोड़ा सा इसमें जो है फिलअप कर दे रहा हूँ, जैसे कि रोल नंबर DW101 एंटर करना है, फिर इसके बाद स्टूडेंट नेम राजू, राजू हो गया, और इसके बाद फादर नेम यहाँ पर ब्रिजेश, और मदर नेम यहाँ पर सीता, मोबाइल नंबर XYZ जो भी मन कर यहाँ पर यूज कर लीजिएगा, और ईमेल आईडी मान लीजिए ABCDE और @123 जो भी यूज करना है कर सकते हैं यहाँ पर है। और मेल वाले पर क्या करना है, क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आप लोगों को जो कोर्स कर रहा है यहाँ पर, जैसे लड़का है ये वाला, तो यहाँ पर टैली को मैं क्लिक कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर इनका जो है एड्रेस यहाँ पर डाल दे रहा हूँ, मान लीजिए बुंदा, और यहाँ पर AZAMGARH, ये आपका हो गया। अब यहाँ पर आप लोगों को फार्मूला यूज क्या करना है, थोड़ा सा मैं दिखा दे रहा हूँ। इक्वल और रोल नंबर इंटर, फिर इसके बाद इक्वल स्टूडेंट नेम इंटर, फिर से यहाँ पर इक्वल फादर नेम इंटर, यहाँ इक्वल मदर नेम इंटर, इसके बाद इक्वल मोबाइल नंबर इंटर, यहाँ पर इक्वल ईमेल आईडी इंटर, यहाँ पर इक्वल। अब यहाँ पर मेल फीमेल के लिए आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो यहाँ पर आप लोगों को एक फार्मूला लगेगा, मैं फार्मूला आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। इफ कोष्टक ऑन, अब यहाँ पर लॉजिक टेस्ट मांग रहा है, तो लॉजिक टेस्ट हमें क्या देना है, ध्यान रखना है, तो लॉजिक टेस्ट हमें यूज करना है वन, ओके। यहां पर क्या करना है, वन को क्लिक कर देना है। इसके बाद आप लोगों को यहां पर लगाना है इक्वल, और अगर एक वैल्यू रहेगी, अगर एक संख्या रहेगा तो कॉमा दे करके डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखिएगा, टाइप करिएगा मेल। अगर अगर एक नहीं रहेगा तब क्या आना चाहिएगा, फीमेल, तो यहां पर कॉमा दे करके लिखिएगा डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर फीमेल, ओके। और डबल इनवर्टेड कॉमा से क्लोज, फिर कोष्टक बंद करके यहां पर एंटर कर लेंगे। तो आप यहां पर आया देखिए मेल, अगर यहां पर मैं फीमेल पर क्लिक करूंगा तो यह आपका आ गया फीमेल। अब यहां पर फिर से इक्वल देना है, और यहां पर कोर्स वाले ऑप्शन पर क्या करना, क्लिक करके एंटर कर देना, तो यहां पर देखेंगे टैली आपका आ गया।
फिर से यहाँ पर क्या करना, इक्वल और एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। इतना आप लोगों को काम करना है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसी के नीचे आपको यूज कर ले रहा हूं इसको, इक्वल काउंटा क्या करना है, काउंटा कोष्टकान ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूं, अब देखिएगा। अब यहां पर काउंटा के बाद रोल नंबर कॉमा, राजू यहां पर स्टूडेंट नेम कॉमा, फादर नेम कॉमा, मदर नेम कॉमा, मोबाइल नंबर कॉमा, ईमेल आईडी कॉमा। अब यहां पर मेल फीमेल को हम तो यहां पर क्लिक नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट यहां पर क्लिक करेंगे, ओके कॉमा। फिनिश के बाद यहां पर कोर्स के बारे में दिया, तो कोर्स भी हम लोग यहां से क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। और यहां पर एड्रेस में जो है हम लोग यहां पर क्लिक करके कोष्टक बंद करना है और यहां पर एंटर कर देना है। यहां पर आपकी जो संख्या आ रहा है कितना है, 9, ध्यान में रखना इस चीज को। अब यहां पर इसको जो है सेलेक्ट करना है इस तरीके से है, और यहां से कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद एंटर करिएगा। अब यहां पर सेव एज वाले ऑप्शन पर क्या करना है, क्लिक करना है, होम मेनू के अंतर्गत जाना है, डेवलपर में जाना है, सॉरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल। अब यहां पर यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, क्लिक करने के बाद यहां पर क्या करना, कंट्रोल वी कर दीजिएगा। कंट्रोल वी करने के बाद आपकी जो संख्या यहां पर कितना आया था, 9, इक्वल दीजिएगा और 9 टाइप करना है। फॉर्मेट में ऑप्शन पर क्या करना है, क्लिक करना है, इसके बाद यहां पर फिल वाले ऑप्शन पर जाना है, और जो भी कलर यहां पर देना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहां पर क्लिक कर दिया, और यहां से फॉर्मेट में बोल्ड और टेक्स्ट को व्हाइट, और यहां से फिर से ओके, और यहां से ओके। जब आपका कोई भी संख्या अगर डिसबैलेंस रहेगा तो यह हाईलाइटेड नहीं रहने वाला है। अगर आपकी यहां पर कोई भी संख्या आपका जैसे कि फिल हो गया, तो यह तुरंत जो है हाईलाइट हो जाएगा। इतना आप लोगों को काम करना है। इसको थोड़ा सा मैं यहां पर नीचे कर दे रहा हूं कुछ इस तरीके से, यहां पर इस तरीके से, चलिए इतना हो गया। अब आप लोगों को क्या करना है, अब यह जो शीट बना है इस पर आप लोगों को काम लगने वाला है, तो कैसे यूज करना है मैं दिखा दे रहा हूं। तो आप लोगों को यहां पर डेवलपर में एक ऑप्शन मिल जाएगा माइक्रो का, जो कि हम माइक्रो पर पिछली वीडियो में जो है बनाए थे कि माइक्रो में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, वहां पर कैसे इसका यूज करते हैं। जो लोग नहीं सीखे होंगे वहां से जाकर भी सीख सकते हैं, और यहां से भी आप लोगों को माइक्रो रिकॉर्डिंग जो है आप लोगों को बताने वाला हूं। तो यहां पर आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले क्लिक करके और माइक्रो जो है रिकॉर्ड करना है। तो माइक्रो यहां पर रिकॉर्ड पर जब रिकॉर्ड हो जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा, जब रिकॉर्ड होना चालू हो जाएगा तो यहां पर स्टॉप रिकॉर्डिंग ऑप्शन आ जाना चाहिए। तो अभी यह चालू नहीं हुआ है, ध्यान में रखना, अभी यह क्या करना है, चालू नहीं हुआ है। मैं इसको मेल पर क्लिक कर दे रहा हूं क्योंकि यह लड़का है, मेल पर हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, मैं इसको रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, तो यहाँ पे क्या करना है, रिकॉर्ड को क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आप लोगों को रिकॉर्ड नेम पर कोई नाम दे देना है, जैसे कि मैं टाइप कर दे रहा हूँ राजू, चलिए यहाँ पर नाम टाइप कर दे रहे हैं तन्नु, ओके तन्नु नाम से मैं रिकॉर्डिंग चालू कर दिया, और यहाँ पे क्या करना, ओके क्लिक कर दिया, यह मेरा रिकॉर्डिंग जो है चालू हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं यह आप लोगों को जो स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ गया, तो इसका मतलब आप लोगों को रिकॉर्डिंग जो है ऑन हो चुका है। अब इसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी से कॉपी करना है। कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद डायरेक्ट जो है आप लोग शीट 3 पर आना है, और यहां पर आप लोगों को क्या करना है, क्लिक करके होम मेन्यू के अंतर्गत आप लोगों को पेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। एक पेस्ट के ऑप्शन एक छोटी सी बटन है, इसका लिस्ट बोलते हैं, यहाँ पर क्या करना है, क्लिक करना है, और पेस्ट स्पेशल पर आप लोगों को क्या करना है, क्लिक कर देना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगा, और यहाँ से ट्रांसपोज का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर दोनों पर क्लिक करके इसको ओके कर देना है। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोगों का यह ओके हो गया है, रेडी। अब यहाँ पर क्या करना है, इसी को कंट्रोल सी फिर से कर लीजिएगा। कंट्रोल सी करने के बाद शीट 2 में आएंगे। अब यहां पर नीचे वाले ऑप्शन पर आप लोग सीट यहां पर देखेंगे, नंबर 2 वाले कॉलम में यहां पर, और यहां पर आप लोगों को होम मेन्यू के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा इंसर्ट, और इंसर्ट में आप लोगों को मिल जाएगा, यहां से क्लिक करेंगे तो देखेंगे इंसर्ट से कॉपी सेल, यहां पर क्या करना आप लोगों को क्लिक कर देंगे। ये आप देखेंगे आपका एड्रेस जो है यहां पर फिल हो चुका है, और यहां पर शीट 1 पर आना है। शीट 1 पर आने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहां पर क्लिक करके कंट्रोल से दबा करके जो है एरिया जो है कंट्रोल दबा करके इसको जो है सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से है।
तो मैं इसको जो है सेलेक्ट कर ले रहा हूं और इसको कर रहा हूं डिलीट बटन। ओके आपका अभी छूट गया यहां पर डिलीट। अब यहां से आप लोगों को पहले से पर क्या करना है, क्लिक करना है और डेवलपर में जाकर इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देना है। इतना आप लोगों को माइक्रो का जो है काम यहां पर एंड हो गया। अब यहां पर आप लोग जो ये बनाए थे इसको आप इसको जो है कंट्रोल सी कर लीजिएगा। कंट्रोल सी से क्या होता है, कॉपी होता है। होम में जाना है और यहाँ पेस्ट स्पेशल पर आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पर लिंक्ड है पिक्चर, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से। तो मैं इसको थोड़ा सा फिर से कॉपी कर लेना हूँ, कंट्रोल सी और पेस्ट पर जा करके लिंक्ड पिक्चर क्लिक कर लिया और इसको यहाँ पर थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके यहाँ पर रख दे रहा हूँ। ये चीज हो गया। अब यहाँ पर इसको क्या करना है, माउस का राइट बटन यूज करना है और यहाँ से आप लोगों को है साइन माइक्रो का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करना है और जो नाम दिए थे तन्नु इसको क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है। इतना आप लोगों को काम करना है। अब यह जो है आप लोगों को व्यू ऑप्शन में जाना है और रू ग्रिड लाइन को यहाँ पर हाइट कर देंगे और जो भी कलर यहाँ पर देना चाहते हैं सेलेक्ट करके यहाँ आप लोग जो है कलर यहाँ से होम मेनू के अंतर्गत दे सकते हैं। तो मैं यहाँ से जो भी कलर देना चाहता हूँ थोड़ा से दूसरे कलर में यह वाला ऑप्शन, यह आपका हो गया और यहाँ पर मैं ब्लैक या नीला दे दे रहा हूँ, ये आपका। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ऑटोमेटिकली जो है डाटा शीट पर मेरी एंट्री कैसे जा रही है। तो यहाँ पर देखेंगे रोल नंबर यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ DW102 और स्टूडेंट नेम यहाँ पर टाइप कर दे रहा हूँ और ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर हाईलाइटेड हो रहा है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट नेम में टाइप करना है मान लीजिए मोहन और फादर नेम में सोहन और यहाँ पर मदर नेम में गीता और मोबाइल नंबर में एक्स वाई जेड जो भी इच्छा करेगा वो यूज कर लीजिएगा और यहाँ पर एक्स वाई जेड करके @1234 जो भी यूज करना है कर सकते हैं। अब मेल है तो मेल, अगर फीमेल रहेगा तो यहाँ पर फीमेल पर क्लिक करेंगे फीमेल आ जाएगा, मेल पर क्लिक करना है मेल पर। अब कोर्स में जो कोर्स यहाँ पर यह हाईलाइटेड नहीं हो रहा, ध्यान रखना जो कोर्स यूज करना चाहते हैं जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ADC और यहाँ पर इनका एड्रेस क्या है, तो मान लीजिए यहाँ पर AZAMGAH यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे ऑटोमेटिकली बाहर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो गया। और यहाँ पर क्या करना है सेव एज पर ऑप्शन पर क्या क्या करना है क्लिक करेंगे, जैसे ही सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ये डेटा आपका पूरा खाली मिल जाएगा और सेव टू पर आप लोगों को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी एंट्री हो चुकी है। देखेंगे मोहन में एंट्री किया था, सोहन, गीता और मोबाइल नंबर XYZ। इसी तरीके से एक मैं और दिखा दे रहा हूँ एंट्री DW103 और यहाँ पर स्टूडेंट नेम पर क्लिक करना है। साफ साफ यहाँ पर एंट्री आप लोगों को मिलने वाली है। यहाँ पर आप स्टूडेंट नेम मान लीजिए मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ सुनीता और फादर नेम में यहाँ पर हरी, यहाँ पर मदर नेम में ममता और यहाँ पर मोबाइल नंबर में मान लीजिए हम कुछ भी यहाँ पर XYZ कर दिए। ईमेल आईडी में इनका हम यहाँ पर फिक्स कर दे रहे हैं मान लीजिए ABC और यहाँ पर @567 जो भी यूज करना है कर सकते हैं। यह लड़की फीमेल तो फीमेल पर क्लिक करेंगे और एड्रेस यहाँ पर हम डाल दे रहे हैं समेंदा और आजमगढ़, ये आपका हो गया। और जैसे बाहर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखेंगे यह हाईलाइट हो गया। यहाँ पर जब CSCF वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ये आपका जो है डेटा थोड़ा देर के लिए ये आपका क्लिक करेगा और यहाँ पर सेव करके आपको ब्लैंक दे देगा। और यहाँ पर सीट टू पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा सुनीता, हरी, ममता, मोबाइल नंबर, फीमेल है तो फीमेल और ये दोनों मेल है तो मेल है यहाँ पर आ जाएगा। और कोर्स में देखिए हम छोड़ दिए थे कोर्स, तो कोर्स यहाँ पर नहीं दिया गया है। मैं एक बार कोर्स फिर से करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर, चलिए। तो रोल नंबर यहाँ पर DW104 और यहाँ पर अमितेश और यहाँ पर हम यूज कर दे रहे हैं मान लीजिए सालू और पांडे और यहाँ पर फादर नेम ब्रजेश पांडे और मदर नेम महिमा पांडे और मोबाइल नंबर यहाँ पर XYZ कोई भी कर सकते हैं आप लोग हैं। ईमेल आईडी आप लोग जो है यहाँ पर ट्रिक करके यूज कर सकते हैं जैसे कि मान लीजिए ABC
डी यहाँ पर एफ मैं कर दे रहा हूँ एट दी ग्रेट यहाँ पर 1 2 3, और यह आपका फीमेल है तो फीमेल वाले पर, मेल रहेगा तो मेल, फीमेल वाले फीमेल पर क्लिक करिएगा। और यहाँ पर कोर्स, जो भी कोर्स यहाँ से सेलेक्टेड करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए टेली कर रहे हैं या ट्रिपल सी कर रहे हैं, ट्रिपल सी पर, और यहाँ पर एड्रेस इनका डाल दीजिएगा यहाँ पर सेवटा, यहाँ पर AZAMGAR आजमगढ़ हो गया। इसके बाद सेव आज पर क्या करना है, क्लिक कर देंगे, ये ऑटोमेटिकली जो है सेव करके आप लोगों को दे देने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं मैं कोर्स में ट्रिपल सी सेलेक्ट किया था, यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से आप लोग जो है ऑटोमेटिक फुल्ली डाटा एंट्री आप लोग जो है क्रिएट कर सकते हैं। जो लोग चैनल पर नए आए होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, और वीडियो को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है, और लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, जय हिंद।